पहले विश्वविद्यालय में कोई काम बगैर हंगामे के शुरू ही नहीं होता। इसी परंपरा को जारी रखते हुए गुरुवार हुई कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारियों और छात्र संगठन ने अपनी मांगों को लेकर परिषद के सदस्यों और कुलपति को ज्ञापन सौंपे। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर लिखित में ज्ञापन दिया। इसके साथ ही NSUI ने भी अपनी मांगों को लेकर बैठक के पहले एक घंटे तक विघ्न डाला। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्य परिषद का आयोजन किया गया। हालांकि परिषद की बैठक अपने नियत समय से एक घंटे देरी से शुरू हुई, कारण कर्मचारियों और NSUI का ज्ञापन रहा। बैठक के शुरू होने से पहले हंगामे की आशंका के चलते पुलिस बल पर्याप्त संख्या में बैठक कक्ष के बाहर मोर्चा संभालते देखा गया, लेकिन ज्ञापन देने वाले कक्ष में आए और अपना काम कर मौके से रवाना हो गए। हमें जांच किस पे करना है आप बताइए। कमेटी 4 महीने में सिर्फ ये लिख रही है कि हमें तो यही नहीं पता हमें जांच किस पे करना है, और ना शिकायतकर्ता को बुला रहे हैं कि भाई बुलाओ तो मैं दे दूंगा। क्या दीदी, मैंने तो आपको वो भी साथ में आएंगे जी बस। NSUI के विश्वविद्यालय प्रभारी विकास नंदवाना का कहना है कि 3 मामलों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने कार्य परिषद की बैठक के पहले दी है। लगातार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार उजागर करते आई है NSUI। आज फिर एक बार कॉपी खरीदी और पेपर खरीदी को लेकर हमने भ्रष्टाचार उजागर किया है। ब्लैक लिस्टेड फर्मों को भी क्लियरेंस दे रही है विश्वविद्यालय। कहीं ना कहीं साठगांठ इसमें अधिकारियों की समझ में आ रही है। जो कॉपी बेचवाल है उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ हुई है। इसके अलावा रोटेशन प्रणाली के लिए हम यहाँ आए हैं। डिपार्टमेंट हेडों के लिए ऑलरेडी नियम बने हुए हैं कि 3 साल में रोटेशन होना चाहिए, परंतु कई अधिकारी साठगांठ करके डिपार्टमेंट हेडों को बचा रहे हैं। इसके अलावा चीफ वार्डन कार्यालय में लगातार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। जहाँ पे दुकानें कपड़ों की है उस दुकान का फर्जी बिल बना के वहाँ से सैनिटाइज़र खरीद लिया गया। ऐसे ही कई उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे शिकायत लेके आए थे और हमने आज ये शिकायत यहाँ पे करी। कार्य परिषद की बैठक को लेकर कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि कर्मचारियों और छात्र संगठनों की मांग पर बैठक में चर्चा की गई और उचित निर्णय लिया गया। उनकी मांग पर तुरंत एक्शन हुआ। उन्होंने बताया था कि ये कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत हम लोगों ने पता किया, उस पर उसी हिसाब से कार्यवाही की जा रही है। तो ऐसे जो भी ज्ञापन है उन पर भी कार्यवाही हुई। एक और जो था वो सेल्फ फाइनेंसिंग का था, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में, उसके लिए भी एक समिति बना के अगली मीटिंग में रखने का प्रस्ताव पास हो गया। और जितने भी थे कर्मचारी हित के जो निर्णय थे, अनुकंपा नियुक्ति जो दैनिक वेतन भोगी का था वो वाला पास हो गया, एक बड़ा मुद्दा था। और ऐसे जितने भी पूरी परिषद ने सहानुभूतिपूर्वक इन सभी पर विचार किया। NSUI के ज्ञापन को लेकर ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर DAVV प्रबंधन ने संज्ञान लिया है। वहीं अन्य मांगों पर भी बैठक में चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।